हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारी बी आर टैच एंड हिंदी वाघेला को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी आर टैच एंड हिंदी वाघेला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेल बॉटम पैंट की कटिंग। तो बेल बॉटम पैंट की कटिंग शुरू करने से पहले चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, लंबाई है इसकी 38 इंच, थाई है इसकी 21.5 इंच, कमर है 33 इंच, मोरी है 22 इंच, हिप है 36 इंच, हाई है 22.5 इंच और घुटना है 16 इंच। तो दोस्तों, इसी नाप के अकॉर्डिंग हम बेल बॉटम पैंट की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम नीचे की ओर एक सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा रेशेदार कपड़ा है वो निकल जाए और हमारा पैंट एकदम सीधा कटिंग हो सके। इसके बाद दोस्तों, हम बॉटम मोड़ने का मार्जिन रख लेंगे 2 इंच पे, इसको भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हम लंबाई नापेंगे इस निशान से। तो दोस्तों, लंबाई है हमारी 38 इंच, तो 38 इंच पे हम रखेंगे और लंबाई में से 1 इंच हम कम कर लेंगे। कम इसलिए करेंगे ताकि 1.5 इंच का जब बेल्ट लगेगा तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच इसमें प्लस हो जाएगा, तो हमारी टोटल लंबाई 38 इंच हो जाएगी। इसके बाद हम हाई का निशान लगाएंगे, हाई यानी लटक का निशान लगाएंगे। तो हाई है दोस्तों हमारी 22.5 इंच, तो 22.5 को आधा करेंगे तो 11.25 होगा। 11.25 में से हम 3 इंच कम करेंगे तो 1, 2 और 3 8.25 इंच बचेगा हमारा। तो 8.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ से, ये हमारा हाई का निशान हो जाएगा। इसके बाद हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का निशान के लिए हम लंबाई का टोटल लंबाई का आधा करेंगे, तो 38 इंच लंबाई है, इसका आधा 19 होगा, 19 में 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे तो 19.5 में हमारे घुटने का निशान होगा। और तीनों निशान हम सामने की ओर लगा लेंगे, तो 19.5, 1 इंच यहाँ से कम करेंगे और यहाँ से 8.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तीनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों, हम फिटिंग पैंट में यहाँ से पहले माप लेते थे, लेकिन बेल बॉटम में यहाँ से माप लेंगे। ताकि इसका रीज़न ये है कि जब बेल बॉटम की मोरी हो ज़्यादा होती है, इसलिए ये बाहर की ओर निकल ना जाए, इसलिए हम नीचे से इसका मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मोरी का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से निशान लगा के हम मोरी है हमारी 22 इंच, तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे, 22 का आधा करेंगे, 11 11 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। अब इसको 11 का आधा पे निशान एक और लगाएंगे, ये हमारा सेंटर लगेगा। अब इस निशान से किनारे तक हम नाप लेंगे, तो ये हो रहा है हमारा 6.5 इंच आ रहा है, तो हम इसका बीच सेंटर निकाल लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, अब हम घुटने का नाप लगाएंगे। तो घुटना है हमारा 16 इंच, तो हम 4 इंच इस तरफ रखेंगे और 4 इंच उस तरफ, 16 का आधा 8 होगा, तो ये 8 हो गया। इसके बाद हम थाई का नाप लगाएंगे, तो थाई हमारी 21.5 इंच, तो 21.5 का आधा करेंगे 11.25, तो 11.25 का आधा होता है 5.5 में 1 सूत कम, तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये दोस्तों हमारे थाई का निशान हो गया। अब इसमें यहाँ से हम 1.5 इंच कम कर लेंगे जो फलाई लगाने के लिए, और यहाँ से हम नापेंगे,
तो ये हमारा आ रहा है 4.25 इंच, तो यहाँ से हम 1/2 इंच कम कर लेंगे और इसको सीधा खींच लेंगे। इसके बाद कमर का नाप लगाएंगे, तो कमर 33 इंच है, इसको 4 में डिवाइड करेंगे तो 1/8 होगा। 1/8 में 0.25 इंच मार्जिन का, तो 9 इंच में हम मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच पॉकेट का निशान लगाएंगे, 1/2 इंच इधर डाउन कर लेंगे। ये सब निशान लगाने के बाद दोस्तों अब हम मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। तो दोस्तों बेल बॉटम इस तरह से लगेगा, ये नीचे का जो पेंट की मोरी का आकार है बेल के आकार से लगेगा, इसलिए इसका पेंट का नाम बेल बॉटम कहा जाता है। और यहाँ से हम इसको इस तरह शेप दे देंगे, कमर का शेप दे देंगे यहाँ से। अब दोस्तों पॉकेट नीचे हम 7 इंच रखेंगे और इसको शेप दे देंगे। फलाई को इस तरह गोलाई दे देंगे यहाँ से, और ये 1/2 इंच हमने डाउन किया था, इसको इस तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे बेल बॉटम पेंट का मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। के बाद दोस्तों कुटका लगाना ना भूले सभी मार्किंग के, ताकि आपका पेंट का नाप इधर उधर ना हो जाए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे इस चैनल पे ऐसे ऐसे कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट में सबसे पहले इस तरह कपड़े को पलट लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर पेंट को बिछा लीजिए। इस तरह दोस्तों अच्छे से बिठाने के बाद अब हम ये तीनों लाइन पे हम सीधा निशान कर लेंगे। इस निशान से 1/2 इंच एक और नीचे निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी सीधा निशान लगाएंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग भी हम सीधा निशान लगाएंगे, और यहाँ नीचे मोरी का भी हम निशान सीधा निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों
यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच, यहाँ 1.25 इंच, यहाँ 1.5 इंच और यहाँ से हम 1.75 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम शेप दे देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ से ऊपर की ओर 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसको सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम कमर का और लम और डार्ट का नाप लगाएंगे, तो 1/2 इंच हमारा इधर मार्जिन में जाएगा, 1 इंच का डार्ट लगेगा यहाँ पे, और कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे तो 1/4 इंच कमर का चौथा हिस्सा लगेगा। तो टोटल ये हमारा होगा 1/4 और 1/2, 1.9 और 1.10 इंच होगा टोटल, और इसमें 2 इंच 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे, तो 1/2 इंच इधर निकालेंगे वो सिलाई का और 1/2 इंच इधर निशान लगा लेंगे। इसके बाद 36 36 है हमारी हिप, 36 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 37.5 होगी, तो 37.5 का आधा करेंगे तो 1/19 होगी, तो 1/19 पे हम इस तरह नाप लगा लेंगे। यहाँ तक नापेंगे तो ये 10.5 इंच बचता है, तो 10.5 इंच को यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पे फिर से नाप लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी कंप्लीट पैंट की हिप का नाप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारे बेल बॉटम पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बेल बॉटम पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।